हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखना भी बाकी में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप प्रजापत और आज आपके लिए आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदना है आईफोन, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बताता हूं मैं आपको आईफोन सेकेंड हैंड खरीदने से पहले। दोस्तों, अगर आप ओलेस पे खरीदते हैं कोई सी फ़ोन को, दोस्तों सबसे पहले आपको उसको उसका बिल देखना है कि उसका बिल है या नहीं है, और दूसरा उसमें वारंटी है या नहीं है। अगर उसकी वारंटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपने सिक्योरिटी के लिए डब्बा उनके उसके पास नहीं है, उसने कहीं घुमा दिया है, तो दोस्तों उसे अपने अकॉर्डिंग आप उससे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले सकते हैं, वो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कि फ़ोन कहीं चोरी का ना हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप अगर आप मान लीजिए कोई फ़ोन है जैसे कि 50,000 रुपये उसकी कीमत है, वो एक महीने बाद में ही वो फ़ोन 25,000 में दे रहा है, तो दोस्तों कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो 50,000 रुपये का फ़ोन 25,000 में बिल्कुल भी नहीं देगा एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी तभी वो फ़ोन आपको देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों, और कई चीज़ें होती हैं जो आपको वैसे ध्यान रखनी पड़ती हैं फ़ोन को देखने के बाद। दोस्तों, पहले अपने उसके पास जाएँ, उसके पास जाने के बाद में आप उसका पहले फ़ोन का रिव्यू करें अच्छे से कि जो आपकी फ़ोन की उसकी जो क्वालिटी है फ़ोन की कैसी है, चारों तरफ से उसको देखें ऐसे। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी फ़ोन होना उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया सेल बाय चाइना। दोस्तों, ये 6S से पहले के जो फ़ोन है ना दोस्तों, उनसे नीचे वाले जो फ़ोन थे 6S से नीचे वाले, उनसे में आपको EMI नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो दोस्तों ऊपर वाले फ़ोन हैं उनमें आपको EMI नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे EMI नंबर भी होगा साथ में, ठीक है, जो अगर आप 6S से नीचे वाले फ़ोन खरीदते हैं तो, क्योंकि आगे अब ऊपर वाले फ़ोनों में उन्होंने अपना EMI नंबर यहाँ पे देना बंद कर दिया है। दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको पूरा इसको टेस्टिंग करना है, इसको चारों तरफ देखने के बाद में आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको दोस्तों इसको आपको इसका ये जो बटन है ये वाला पावर का, इसको चेक करना है, ठीक है। जो इसको चेक कर लें उसके बाद में आपको ये साइलेंट वाला ऑन बटन चेक करना है कि काम कर रहा है, उसके बाद अप डाउन वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसका ये जैक चेक करना है कि जैक प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद में आपको ईयरफोन ला के चेक करनी है, चार्जिंग ला के देना है, और इसमें सिम डालना है। सिम डालने के बाद में आप उसको चेक करना है कि प्रॉपर बात हो रही है। और दोस्तों, सबसे पहली जो मेन बात होती है वो इसको कि आपका फ़ोन ये कभी ज़िंदगी में कभी पहली बार खोला गया है या नहीं खोला गया, फिर एकदम सील है। दोस्तों, आपको पहले तो आपको ये जो आपकी स्क्रीन इसको हल्के हल्के पुश करना है, अगर ये पुश हो रही है इसका मतलब स्क्रीन डाली गई है, और नहीं हो रही तो मतलब फ्लैश है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बारीक से। दोस्तों, ये पुश हो रही है मतलब इसकी जो डिस्प्ले है शायद वो इस मोबाइल है ओपन किया गया है पहले कहीं, ठीक है, पहले ओपन किया गया है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, आपको इसको कैमरे को देखना, कैमरे में कोई भी कुछ धूल मिट्टी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल ऐसा ब्रांड है ये, अगर इसका कहीं से भी आपको इसके अंदर धूल मिट्टी जाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, मेरे को देखो दिख रहा है आपको इसको, देखो दोस्तों है ना, ये वाइट सा टिंकी सी है, आपको नजर आ गई होगी। ना दोस्तों, मतलब कि इस फोन में धूल मिट्टी है, मतलब कि इसमें को फोन को खोला गया है।
ये दोस्तों हो गई बाहर की बात है, अंदर की बात के लिए सबसे बताओ आपको हार्डवेयर चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपको इनको सबको जाना है, जो जितने भी बटन इसके सब चेक करना है, वाईफाई इसका और चेक करना है वाईफाई, और दोस्तों इसमें और इसमें साथ में एक 3D टच होता है, इसका 3D टच भी आपको चेक करना है। जैसे कि इसको मैंने दबाया रखा और ये आ गया, ठीक है। ये दोस्तों 3D टच भी बहुत ज़रूरी है, ये किसी ऐसे ऐसे फ़ोन में नहीं आते हैं, अगर आपको ब्रांडेड सही फ़ोन है तो आते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया, देखो आ गया ना, ठीक है दोस्तों। ये 3D टच का ये है एक मैन, दूसरा आप इसको जितने वाईफाई है, जैसे कि ये मान लो वाईफाई चेक करना, आपको वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है, साथ में आपका इसका ब्लूटूथ चेक करना है, माइक चेक करना, स्पीकर चेक करना है। और दोस्तों ये सब चेक करने के बाद में आपको इसमें एक ऐप डालनी है, ये वाली SYS चेक लाइट, ठीक है दोस्तों। ये ऐप डालने के बाद में आपको जो क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों पूरे सेटिंग चेक करनी इसकी, ये वाली, ठीक है। इसमें सबको लिखा हुआ है कि आपकी पूरी बॉडी की जो इसके अंदर जितने हार्डवेयर उसके बारे में चेक करने का होता है। देखो फिंगर वन क्लिक कर सकते हैं, मतलब सही है, दो टू फिंगर, ठीक है, मतलब ठीक है, 3 फिंगर, ठीक है, सिंगल टैप, डबल टैप, तो ये सब आपको चेक कर लेना है, पूरी तरह से चेक करना है। बैटरी देखो, बैटरी 39% बची हुई है, स्टैंड बाई 17 वर्ष, इतना ही निकाल देगी, गाने सुनने के तो आप इतना निकालेगी, नेट चलाएगी इतना चलाएगी निकालेगी, तो ये पूरा बैटरी आपको बता देगी। आप में इसका डिवाइस का इन्फो चेक करना आपको, कि ये कौन सा iOS है, अनोन है क्या है, अगर यहाँ पे डिवाइस मॉडल अनोन iPhone लिखा हुआ, मतलब ये बाहर से कस्टम किया गया है, ठीक है दोस्तों। आपको इसका मेमोरी चेक करनी है, देखो ये देखिए टोटल डिस्क स्पेस कितना है दोस्तों, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जितना फ़ोन आपका उतना होना चाहिए। जैसे मेरा 64 GB है तो इसमें टोटल डिस्क 60 दिखा रखा है, ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। और किस रैम कितने है, रैम 2 GB होती है तो देखो 2000 MB होगी ना, टोटल कितना की टोटल आपको ये चेक करना है दोस्तों, ठीक है। और ये ऐप बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको टोटल जानकारी देगी इसके अंदर कि क्या आपका फ़ोन में है, प्रॉब्लम क्या नहीं है दोस्तों, ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और बस यही थी कुछ चीज़ें जो आपको सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदने से पहले लेनी चाहिए, बाकी आपको जो भी आप इसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे सिम डालेंगे तो नेट कॉलिंग फॉलिंग जो भी है आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़िया अच्छे से अच्छी जो आपको पता चले, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है वो ही है सीखना भी बाकी है, ठीक है दोस्तों। आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि सीखना भी बाकी है ना दोस्तों, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि हम इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए और आपको वो मिल जाए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। चलते हैं दोस्तों नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, मेरा नाम प्रदीप प्रजापति और आप देख रहे हैं सीखना भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।